Hello students, welcome back to my class. Today we are going to discuss your fourth chapter, that is Major Ancient Indian Scientist. Chapter thoda lengthy hai, it has 40 questions. लेकिन एक बार अगर आप इस चैप्टर की समरी देख लेंगे तो आप 40 के 40 क्वेश्चंस आसानी से आंसर कर सकते हैं। साथ ही जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। ओके, मेजर एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट, तो इस चैप्टर में उन सारे साइंटिस्ट के बारे में वर्णन किया गया है जो प्राचीन भारत में भारत के लिए मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं। सो मोस्ट इंडियंस आर अवेयर दैट दे हैड अ ग्रेट हेरिटेज बट फ्यू इंक्लूड साइंस इन इट। तो हम सभी जानते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत महान रही है, लेकिन बहुत कम लोग इसमें साइंस को शामिल करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एंशियंट इंडिया में साइंस भी कितना डेवलप्ड था। तो हमारा साइंस शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से लगभग 3000 साल पहले। देयर सिटीज वर वेल प्लान्ड, तो उस समय साइंस कितना डेवलप था, देखिए उनके शहर जो हैं पूरी तरह से प्लांट बसाए हुए होते थे, सुनियोजित होते थे। एक्सीलेंट वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, तो उनमें जो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज, उनकी जो नालियां थी सब बहुत ही सिस्टमेटिक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था। आज 3000 साल बाद भी हमारे सारे शहरों में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम शायद नहीं है। क्लोथ्स मेड अप ऑफ कॉटन, तो साइंस उनका काफी डेवलप्ड था, वे सूती के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। द गोल्डन एज ऑफ साइंस इन इंडिया वॉज बिटवीन 4th century BC टू 6th और 7th century AD। भारत में साइंस का जो स्वर्ण काल है वो 4th century BC, ईस्वी सन से 400 साल पहले और 600 साल बाद तक, लगभग 1000 सालों का ये जो ड्यूरेशन था, इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ साइंस। और इस समय जो शासक रहे हैं मौर्य, शक, कुषाण एंड गुप्ता एम्पायर्स, तो इन राजाओं का उस समय शासन था। लगभग 5वीं शताब्दी में जो भारत का कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड साइंस को, इनमें मेन है कंसेप्ट ऑफ जीरो, शून्य जो है भारत की देन है, डिफरेंशियल कैलकुलस ये हायर मैथमेटिक्स है, टेक्स्ट ऑन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी जो संरचना है बॉडी की, फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस, प्लांट्स के बारे में एंड देयर नॉमेनक्लेचर, उनका नामकरण। बट द इन्वेशन ऑफ मुगल्स, द पोर्चुगीज, द डच एंड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ साइंस। साइंस हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा था, फल फूल रहा था, लेकिन ये जितने आक्रमणकारी आए, मुगल और पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, उसके बाद ब्रिटिश, इनके कारण साइंस जो है काफी पीछे रह गया। लेकिन आजादी के बाद फिर से हमने साइंस में काफी विकास किया है और आज इंडिया एट प्रेजेंट अगर हम देखें, इट इज अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर क्लब, स्पेस क्लब एंड अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन क्लब, तो ये सारे क्लब का भारत मेंबर है। इसके अलावा वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ ट्रेंड टेक्नोलॉजीज, तो ट्रेंड स्किल्ड जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा संख्या में भारत में है, जस्ट आफ्टर USA एंड सोवियत यूनियन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन, आज का जो रूस है, उन दोनों के जस्ट बाद भारत का ही नाम आता है ट्रेंड टेक्नोलॉजीज में। When we talk about the great scientists of ancient India, the list starts with Sushrut. तो सुश्रुत से भारत का साइंस शुरू होता है। He was born in 6th century BC, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। वो विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं और उन्होंने सर्जरी की शिक्षा धन्वंतरी से ली थी। Known as father of plastic surgery all over the world, सुश्रुत सबसे ज्यादा फेमस है, वो प्लास्टिक सर्जरी के जनक, फाउंडर या फादर माने जाते हैं पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। His book सुश्रुत संहिता is relevant even today. तो उनकी जो बुक थी उसका नाम है सुश्रुत संहिता, तो ये आज भी प्रासंगिक है। In 8th century the book was translated into Arabic as
किताब शा सुन अ हिंदी एंड किताब ई सुश्रुत। तो इसका ट्रांसलेशन अरबी भाषा में इन नाम से हुआ था, किताब शा सुन अ हिंदी एंड किताब ई सुश्रुत। तो ये बुक्स का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फिजिशियन टू एडवोकेट सिजेरियन ऑपरेशन, सबसे पहले शल्य चिकित्सा ऑपरेशन सुश्रुत ने की बात किया था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग यूरिनरी स्टोन्स, किडनी की जो पथरी या स्टोन्स होते हैं वो, ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स एंड आई ऑपरेशन ऑफ कैटरेक्ट, तो हाथ पैर की जो हड्डियों का फ्रैक्चर है उसके अलावा कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद तक का ऑपरेशन सुश्रुत बड़ी सफलता से कर लेते थे। He is also called as father of anesthesia. उनको anesthesia का जनक भी माना जाता है। He advocated for experiment with caracases before operations. Caracases मतलब होता है dead bodies. तो सुश्रुत का जो approach था, it was totally experimental. कोई चीज सैद्धांतिक नहीं थी। वो जितना कुछ बताते थे वो experiment से किए जाते थे, dead bodies से। और 2500-3000 साल बाद आज भी हम मेडिकल साइंस में डेड बॉडीज से ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, सुश्रुत के जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आज भी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ आज भी यूज किया जाता है। सुश्रुत के बाद नाम आता है चरक का। चरक की बुक का नाम था चरक संहिता। नाउ लेट्स सी हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। तो पाचन तंत्र और इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में चरक ने सबसे पहले बताया था। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ थ्री दोषास। उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनको हम बोलते हैं बाइल, फ्लेगम एंड विंड। बाइल मतलब पित्त और फ्लेगम मतलब कफ, विंड मतलब हवा या वात। और साथ में उन्होंने बताया कि तीन धातु होते हैं, ब्लड, फ्लेश एंड मैरो। मैरो मतलब कि मज्जा, अस्थि मज्जा जिसको हम बोलते हैं, बोन्स के अंदर का फ्लूइड। चरक ने ये बताया कि हमारे शरीर में जब इन दोष, तीनों दोषों का जो बैलेंस है वो जब भी बिगड़ता है तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। उन्होंने हमारे शरीर में बोन्स की संख्या बताई थी, टोटल नंबर एज 300 इंक्लूडिंग टीथ। दांत की संख्या को भी अगर हम उसमें शामिल करें तो चरक ने उसको 300 काउंट किया था। और आज भी हम जब 206 काउंट करते हैं तो दांतों को अगर हटा दिया जाए तो ये अब चरक के काउंट से काफी सिमिलर है। ही फाउंड हार्ट हैविंग वन कैविटी एंड कंट्रोलिंग सेंटर कनेक्टेड टू बॉडी थ्रू 13 मेन चैनल्स। तो चरक ने एक चीज गलत बताई थी कि हार्ट में एक ही कैविटी होती है जबकि ये चार कैविटीज का होता है, लेकिन यहाँ पर वो सही थे कि हार्ट हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है और पूरी बॉडी से सर्कुलेटरी सिस्टम में वो 13 मेन चैनल से जुड़ा हुआ है। उनकी जो बुक थी चरक संहिता, इट वॉज ट्रांसलेटेड इंटू अरेबिक एंड लेटिन। तो अरबी और लैटिन भाषाओं में चरक संहिता का अनुवाद हुआ था। आचार्य कनाड, ही वॉज अ फेमस केमिस्ट। चलिए देखते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। अ फेमस केमिस्ट Who wrote वैशेषिक सूत्र। कनाड ने जो बुक लिखी थी उसका नाम वैशेषिक सूत्र है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन, यूनिवर्स एंड द क्रिएटर। तो मनुष्य, ब्रह्मांड और ईश्वर, ये इन तीनों के बीच संबंध को ये बताता है। इट इज ब्लेंड ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड रिलीजन। तो प्राचीन भारत में साइंस जो है वो दर्शन शास्त्र और धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। He gave the name परमाणु। तो सबसे बड़ा जो contribution है कनाड का, परमाणु नाम उन्होंने दिया जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि it is an indivisible entity, पदार्थ का अविभाजित भाग है, इसको कोई भी और विभाजन इसका संभव नहीं है। He told that everything is made of परमाणु, it doesn't exist in free state। उन्होंने ये भी बताया हर चीज परमाणु से बनी है और ये स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। He took a lead over other scientists in his assertion that परमाणु of one substance differ from the other। All things seen in the universe were formed because of peculiarity of परमाणु। तो
अपने इस दावे में वो दूसरे साइंटिस्ट से काफी आगे रहे। उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक पदार्थ का परमाणु दूसरे पदार्थ से अलग होता है, अर्थात जितने प्रकार के पदार्थ हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होंगे। उन्होंने केमिकल चेंज के बारे में भी बताया था, ये बताया कि केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हीट, ये हीट के कारण केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे फलों का पकना या लकड़ी का कोयले में बदल जाना। ओके, द फेमस साइंटिस्ट हु गेव द थियोरी ऑफ योग सूत्र, योग सूत्र पतंजलि ने दिया था, जो कि आज इंटरनेशनली मान्य हो चुका है। तो चलिए देखते हैं पतंजलि का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। पतंजलि वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रेजेंट फंडामेंटल्स ऑफ योगा, योग के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको सबसे पहले पतंजलि ने दिया था। इन सेकेंड सेंचुरी BC ही एक्सप्लेन्ड हाउ गॉड इज अटेंड थ्रू योगा। तो योग मतलब होता है जोड़ना, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली जो चीज है, जो साधन है, वह योग है। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा सेवरल एलिमेंट्स, तो योगा से बहुत सारी बीमारियां मेंटल एंड फिजिकल कैन बी क्योर्ड, मानसिक हो चाहे शारीरिक उनको ठीक किया जा सकता है। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कैन बी अटेंड, योग से हम असामान्य क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति। योगीज कैन लिव विदाउट फूड एंड ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे, योगी होते थे, वो बिना ऑक्सीजन के, बिना भोजन के बहुत समय तक रह सकते थे। पतंजलि कंपेयर्ड अवर माइंड विद द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अंटिल एंड अनलेस अवर माइंड इज स्टिल वी कांट सी गॉड विद इन अस। तो पतंजलि ने ये भी बताया कि ईश्वर हम सबके अंदर है, लेकिन जब तक हमारे मन में डिस्टरबेंस है, हलचल है, तब तक हम अपने अंदर के ईश्वर को नहीं देख सकते। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तालाब का पानी जब उसमें हलचल रहती है तो नीचे की जो भी चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पानी अगर शांत होता है तो नीचे की प्रत्येक चीज बहुत क्लियरली दिखाई देती है। नाउ द फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन मैथ्स में बहुत ही ज्यादा है, चलिए देखते हैं। फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ही वॉज बॉर्न इन 479 AD, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन नालंदा यूनिवर्सिटी। तो 479 ईस्वी सन, मतलब ये साइंस का जो गोल्डन एज था उसी दौरान इनका जन्म हुआ था, और उनकी शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुई थी। गुप्ता रूलर बुद्ध गुप्ता लेटर मेड हिम द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो गुप्त राजा बुद्ध गुप्त ने उनको यूनिवर्सिटी का हेड बनाया। ही वॉज द फर्स्ट टू डेड्यूस दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस क्रिएटिंग डे एंड नाइट, तो वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने प्रथम बार बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने एक्सिस, मतलब अपने अक्ष पर ये घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। द मून इज डार्क एंड शाइन्स ओनली बिकॉज ऑफ सनलाइट, चंद्रमा का खुद का कोई भी प्रकाश नहीं है, इट शाइन्स बिकॉज ऑफ सनलाइट। सोलर एंड लूनर एक्लिप्सिस अकर्स बिकॉज ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अर्थ एंड द मून, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो शेडो, उनकी परछाई एक दूसरे पर पड़ती है, ना कि राहु और केतु के द्वारा सूर्य को निगलने से ग्रहण होता है। तो ये भ्रांति सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही मिटाई थी। वाराह मिहिर, इंडियन सेज हु प्रेडिक्टेड वाटर डिस्कवरी ऑन मार्स 1500 years ago, 1500 साल पहले ही वाराह मिहिर ने मंगल ग्रह पर पानी के बारे में बता दिया था। तो इस क्षेत्र में उनका जो और कॉन्ट्रीब्यूशन था, लेट्स सी देम। वाराह मिहिर, ही वॉज वन ऑफ द 9 gems ऑफ द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, तो गुप्त साम्राज्य के जो सबसे फेमस किंग हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे वाराह मिहिर। उज्जैन वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग दैट टाइम, सो ही शिफ्टेड टू उज्जैन, उस समय उज्जैन शिक्षा का, विज्ञान का केंद्र था, इसलिए वाराह मिहिर उज्जैन में जाकर बसे थे। He was a prolific writer, master of Sanskrit grammar. He contributed in the field of hydrology, ecology and geology. Hydrology मतलब पानी से संबंधित जानकारी, ecology पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित, और geology मतलब भूगर्भ शास्त्र।
तो इनके बारे में उन्होंने बताया। He claimed that plants and termites serve as indicators of underground water. तो वाराहमिहिर ने उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो पानी की खोज के बारे में उन्होंने बताया कि जहाँ पर दीमक और प्लांट्स ज्यादा होते हैं वहाँ अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ज्यादा अच्छा होता है। This claim is now gaining attention in the scientific world. और आज भी साइंटिफिक वर्ल्ड में उनके इस दावे को माना जा रहा है। He said, The science of astrology is vast ocean and it's not easy for anyone to cross it. My treatise provides a safe boat. Astrology के बारे में भी उन्होंने बताया कि यह एक विशाल समुद्र की तरह है, ज्योतिष शास्त्र से पार पाना आसान नहीं है, लेकिन मेरी जो बुक है वो इसे पार करने के लिए एक नाव के समान है, एक साधन है। नागार्जुन प्राचीन भारत का वो सोना बनाने वाला वैज्ञानिक। तो प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा कहानियां जिस साइंटिस्ट के बारे में प्रचलित थी वो नागार्जुन है। तो वो सोमनाथ, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। He was said to have the power to change base metals into gold. उनके बारे में ये कहानी प्रचलित थी कि वो किसी भी धातु को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। He claimed that he was a messenger of God. और वो खुद दावा करते थे कि वो भगवान के दूत हैं। और उनकी जो बुक है रस रत्नाकर, ये एग्जाम में आता है नागार्जुन की बुक रस रत्नाकर, तो ये इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स बिटवीन हिम एंड गॉड, भगवान और उनके बीच वार्तालाप के रूप में ये बुक लिखी गई है। रस रत्नाकर इट डील्स विथ प्रिपरेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड्स, तो पारा के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में इसमें है। और मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन, तो मेटल्स धातुओं का एक्सट्रैक्शन, उनके अयस्क से अलग करने की प्रक्रिया और उनका प्यूरिफिकेशन, ये सारी चीजों का वर्णन इसमें है। ही क्लेम टू प्रिपेयर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ फ्रॉम मर्करी एनिमल एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स एंड अल्कलीज, तो नागार्जुन ये दावा करते थे कि उन्होंने जीवन का अमृत बनाया था तो एनिमल और वेजिटेबल प्रोडक्ट से ही। और टू डिजॉल्व डायमंड मेटल्स एंड पर्ल्स, तो वो ये भी दावा करते थे कि वो हीरे और पर्ल्स मोती को भी पिघला सकते थे, डिजॉल्व कर सकते थे। ही सजेस्टेड द यूज ऑफ वेजिटेबल एसिड्स जूसेस ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स, तो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से ही उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जिसमें डायमंड और पर्ल भी घुल जाते थे। भास्कर वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही रोट सिद्धांत शिरोमणि, तो भास्कर की जो फेमस बुक है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट हैज फोर पार्ट्स, इसके चार पार्ट हैं। फर्स्ट जो है वो लीलावती जो भाग है वो डील्स विद अर्थमेटिक, अंक गणित से संबंधित है। सेकेंड जो है बीज गणित, मतलब अल्जेब्रा, मैथ्स में जहां पर हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं उसको अल्जेब्रा बोला जाता है। थर्ड वन इज गोल अध्याय, गोला यानी कि स्फेयर, तो स्फेयर से संबंधित है। ग्रह गणित इट डील्स विद प्लैनेटरी मैथमेटिक्स, तो ग्रहों को लेकर जो गणना संबंधी मैथमेटिक्स है ये इस पार्ट में है। भास्कर वॉज द फर्स्ट थिंकर टू डिक्लेयर दैट अ टर्म डिवाइडेड टू जीरो इज इन्फिनिटी एंड सम ऑफ एनी टर्म टू इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो भास्कर ने ये बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो आंसर इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, और इस इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस या माइनस कर लें तब भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये हायर मैथमेटिक्स है, तो इस चीज को उन्होंने न्यूटन और लिबनिट्स ये फॉरेन साइंटिस्ट से भी काफी पहले बताया था। जहांगीर का नाम आप सबने सुना होगा, सम्राट अकबर के बेटे जिनको हम शहजादा सलीम के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ही वॉज अ फेमस साइंटिस्ट ऑल्सो अ नेचुरलिस्ट, ठीक है। तो वो सिंहासन पर कब बैठे थे, 24 अक्टूबर 1605 से लेकर 1627, 22 साल तक वो उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। और इस दौरान ही हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स और पक्षियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है फ्लोरिकन, डिपर, हॉक, कुकू एंड एनिमल्स सच एज पोलकेट एंड मंकी, तो इन पक्षियों के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी है। चलिए उनको हम
डिटेल में देखते हैं। दीज आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जहांगीर। ही मेड करेक्ट एस्टिमेट ऑफ गेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट्स एज 18 to 19 months। तो जहांगीर ने ये बताया कि हाथियों का जो गर्भकाल होता है वो 18 या 19 महीने का होता है। तो प्रत्येक एनिमल का जो गर्भकाल है, गेस्टेशन पीरियड, वो अलग अलग होता है, और हाथियों की सही सही गणना जहांगीर ने की थी। ही हैड अ स्मॉल जू, उनके एक छोटा सा चिड़ियाघर था, उसमें वहां पर उन्होंने सारस क्रेन, सारस पक्षी के बारे में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे, और ये बताया था कि द पेरेंट्स नॉट ओनली लव देयर चिक्स बट ईच अदर ऑल्सो। तो ये जो सारस पक्षी होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों में बहुत ही अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, साथ ही वो अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। ये चीज जहांगीर ने ऑब्जर्व किया था। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर ऑफ महबूदाबाद वॉज हेल्दियर देन दैट ऑफ अहमदाबाद। तो इन दोनों शहरों के एयर क्वालिटी की गणना भी उन्होंने की थी, और ये बताया था कि महमूदाबाद, ये जो गुजरात का महमूदाबाद है, वहां की हवा ज्यादा प्योर थी अहमदाबाद की अपेक्षा। सोलर और लूनर एक्लिप्स की भी गणना उन्होंने की थी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। जहांगीर ने बहुत सारे ऐसे पौधे जो हिमालयन रीजन में होते हैं उनको अपने राज्य में लगवाया था। उनको बाग लगवाने का, गार्डन का बड़ा शौक था, और साइप्रस, जूनिपर, पाइन, ये जो हिमालय के वृक्ष हैं, उनको उन्होंने मैदानी भाग में लगाया था। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है जंतर मंतर, और जंतर मंतर की बहुत सारी चीजें साइंटिफिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उनको देखते हैं। यूजिंग एस्ट्रोलोब एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ही डिटेक्टेड एरर्स इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड द मून गिवन इन इंडियन, अरब एंड यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स। तो अपने यंत्रों के द्वारा सवाई जय सिंह ने ये पता किया था कि जो पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड मून, चंद्रमा और ताराओं की स्थिति जो है, उनकी गणना इन कैलेंडर्स में गलत है। दिस शिफ्ट वॉज कॉज ड्यू टू चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है उसके एक्सिस, उसके अक्ष में परिवर्तन होने के कारण ये चेंज हुआ था। तो इसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह को दी, एंड मोहम्मद शाह ऑफर्ड हिम हेल्प टू करेक्ट द एरर्स। तो मोहम्मद शाह ने उनको धनराशि देकर उनकी सहायता की और इनको ठीक करने के लिए कहा। तो इसलिए क्योंकि इनके कारण इट अफेक्टेड द टाइम ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फेस्टिवल्स। तो जो त्योहार थे उनकी तिथियां भी गलत हो रही थी, तो इसलिए मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को इसको ठीक करने की जिम्मेदारी दी। और इन द ईयर 1724 जंतर मंतर वॉज बिल्ट। तो सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था जिस मोहम्मद शाही। तो मोहम्मद शाह के सम्मान में, चूंकि उन्होंने उनको सहायता दी थी, तो उनके सम्मान में उन्होंने ये किताब पब्लिश कराई थी। His main contribution was measurement of equinox and solstice. तो सवाई जय सिंह का जो सबसे बड़ा योगदान था वो measurement of equinox. Equinox मतलब वो तिथियां जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, या फिर solstice मतलब जब दिन सबसे बड़ा हो या रात सबसे बड़ा हो। तो इस तिथि की गणना उन्होंने की थी। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर में तीन मेन इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए थे, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द फर्स्ट वन इज सम्राट यंत्र, अ काइंड ऑफ सन डायल विच मेजर्ड टाइम अप टू एक्यूरेसी ऑफ हाफ अ मिनट। तो ये जो सम्राट यंत्र दिखाई दे रहा है, ये एक सूर्य घड़ी है जो कि आधे मिनट के समय को भी सही सही कैलकुलेट कर सकता था। द सेकेंड वन इज राम यंत्र, a tall pillar inside a graduated cylinder which measured the altitude and azimuth of heavenly bodies up to high accuracy. तो ये जो पिलर के खंभे की आकृति दिख रही है, ये heavenly bodies, planets की, ग्रहों की ऊंचाई की गणना करता था, वो भी काफी हद तक सही सही इसमें गणना होती थी। The third instrument was जय प्रकाश, a white concave bowl on which position of all heavenly bodies can be mapped.
तो ये जो एक कटोरे की आकार का ये यंत्र दिखाई दे रहा है, इसमें सभी ग्रहों की स्थिति को दिखाया जाता था। हिज फाइंडिंग्स वर फार मोर एक्यूरेट देन हिज प्रेडेसेसर्स लाइक टॉलोमी एंड यूलुबेक। तो बाद में काफी समय तक जो फॉरेन साइंटिस्ट हुए उनके कैलकुलेशन से सवाई जयसिंह का कैलकुलेशन काफी हद तक अधिक सही था। सो दिस वॉज अबाउट सवाई जयसिंह, उनके जो तीन इंस्ट्रूमेंट सम्राट यंत्र, राम यंत्र एंड जय प्रकाश, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेंथी चैप्टर स्टूडेंट्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप राइटिंग योर कमेंट्स। थैंक यू।